सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और साथ ही ऐसे भी मतलब मी 11 वॉच, मी वॉच भी लॉन्च हो चुका है जो मतलब एक रिलो कुछ 9000 के बीच में देखने को मिले। और एक और मी 11 लाइट की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज आ रही है कि मी 11 लाइट 5G इवेंट वाला भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 780G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। किस प्राइस रेंज से लॉन्च होगा, बेहतरीन प्राइस रेंज से 30000 के बीच में देखने को मिल सकता है। दूसरी टीम जा रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का जो अभी एक मतलब टीज हुआ था कि फ्लैशी फोन रहेगा इन्फिनिक्स 0X नाम से बुलाया जाएंगे, और साथ ही उसमें ऐसा कहा जाए 60W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 50W का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकता है, 108MP प्राइमरी कैमरा और ट्रिपल कैमरा सेटअप आप देखने को मिलेंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कर्व डिस्प्ले और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ ही और साथ ही और बहुत बेहतरीन प्राइस के साथ ये फोन जल्द ही आपको लॉन्च हो जाएगा। और साथ ही टेक्नो तरफ से भी एक न्यूज़ आ रही है, टेक्नो का भी एक पैंटोम एक्स नाम का फोन जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले बैक की तरफ 50MP प्राइमरी कैमरा और इन डिस्प्ले कैमरा और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के साथ ये भी लॉन्च होगा, जो भी टेक्नो पैंटोम ये भी बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ लॉन्च होगा मतलब टेक्नो की तरफ से। तीसरी टेक्नो जा रही है सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी MWC जो 2021 का मतलब उसका जो इवेंट है वो 28 जून को आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ ऑफिशियली न्यूज आ रही है। साथ ही उसमें आपको बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स है जो सैमसंग फोल्डेबल फोन वॉच और सैमसंग का UI4 वो भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, और साथ ही जो S21 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलेगा जो नॉक्स वॉल जो सिक्योरिटी है वो भी फीचर आपको अनाउंस कर दिया जाएगा सैमसंग MWC 21 पर जो 28 तारीख को देखने को मिलेगा। चौथी टीम जा रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में जो डेटा शेयरिंग का जो पिक लीक वो मतलब जो इशू था उसको मतलब क्रैफ्टन ने फिक्स कर दिया, मतलब उसको फिक्स कर दिया और ऐसा कहा कभी जैसे लीक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो माइग्रेशन की वजह से हो रहा, मतलब जो भी डाटा माइग्रेशन कर रहे उसकी वजह से इशू देखने को मिलेगा, इसको भी बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे और हो सकेंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो इसका डाटा पूरा इंडिया में सेव रहेगा। रेडमी की तरफ से रेडमी K40 अभी भी लॉन्च हुआ था, उसका सक्सेसर रेडमी K50 भी बहुत जल्दी देखने को मिले। सोमी के CEO है लू बेबिन जिन, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि रेडमी K40 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ और बेहतरीन स्पीड के साथ, फोन आपको इसके लिए देखने को मिलेगा। कुछ इमेजेस भी बैक की तरफ का पैनल का कुछ इमेजेस भी लीक हो चुका है। छठे टू जा रियलमी की तरफ से, रियलमी का एक नया फोन देखने को मिल सके जो वाई सीरीज में फोन देखने को मिलेंगे, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें इमेज मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में इसका लिंक हो चुका है, और देखते हैं किस प्राइस रेंज का और क्या फोन हो सकता है इसके बारे में कुछ ऑफिशियल न्यूज ने, और किस सीरीज का फोन है मतलब गेमिंग एडिशन वाला फोन है कि बस एक फ्लैगशिप फोन है या फिर कोई एक सेंट्रिक वाला फोन है, देखते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी रियलमी की तरफ से मिलेगा। थैंक यू सब्सक्राइब।